महंगाई भी बहुत बढ़ गई, 400 रुपए के ऊपर नींबू का रेट है, वेजिटेबल सारी 100 रुपए के ऊपर। आपने ट्वीट भी किया है, लोग सोचते हैं कि इकोनॉमी जो होती है, महंगाई जो होती है, वो समाज की कंडीशन से अलग होती है। जिस देश में हार्मनी नहीं होती है, शांति नहीं होती है, उस देश में महंगाई बढ़ेगी, उस देश में नफरत बढ़ेगी, इकोनॉमी चल ही नहीं सकती है, रोजगार मिल ही नहीं सकता है। अगर देश को मजबूत बनाना है तो सबसे जरूरी चीज शांति, हार्मनी, ये है। और बीजेपी के लोग सोचते हैं कि नफरत फैलाकर, लोगों को डराकर, लोगों को मारकर इंडिया की, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। गलत फहमी में है। राहुल जी, आप लगातार ये कहते रहे हैं कि इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली मौजूदा वक्त की सरकार है। अभी ये खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक से बाहर निकली है कि जो हालात मौजूदा वक्त में देश के हैं वो हालात श्रीलंका जैसे होते जा रहे हैं, यानी श्रीलंका नहीं। आप, मैं आपको ये बता देता हूँ, आप हिंदुस्तान की जो आर्थिक सिचुएशन है, रोजगार की सिचुएशन है, उसको आप अभी इमेजिन ही नहीं कर सकते। जो आने वाला है वो आपने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है।